अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुसैन काजमी एच के मेन्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम लौकी का हलवा बनाएंगे और क्योंकि सुबह ईद है तो हम इसे रात को ही तैयार करके रखते हैं। मेरी तरफ से सब मुसलमानों को, दुनिया में जहाँ भी रहते हैं, सबको ईद मुबारक हो। कुछ लोग सेवैयाँ अक्सर हमारे घरों में बनती हैं, तो मैं थोड़ा सा रूटीन से हट के लौकी का हलवा बनाऊंगा। कुछ लोग इसको लौकी कहते हैं, कुछ इसको कद्दू कहते हैं, तो आज हम इसका हलवा बनाएंगे, बड़े मज़े का, बड़ा खुश शक्ल। तो इसमें मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब लौकी ली है, उसे छील लिया है और उसके बाद उसको कद्दूकश कर लिया है। लौकी लेते वक्त ख्याल रखिए थोड़े छोटे साइज़ की हो, तो इसलिए कि उसके अंदर बीज नहीं होंगे तो वो बहुत अच्छी बनेगी। और इसके साथ और जो चीज़ें डलेंगी, ये है 2 कप के करीब चीनी है, और ये 2 कप के करीब खोया है, और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, और ये खोपरा है पिसा हुआ, कुछ इलायची दाना है, और ये है ड्राई मिल्क है, और ये है लिक्विड मिल्क है हमारा, और थोड़ी सी अशरफ़ी है ना। ये सब चीज़ें इसके साथ शामिल होंगी स्टेप बाय स्टेप। आप हमारे साथ रहिएगा और देखिएगा किस तरीके से बनता है, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। व्यूअर्स, हमने लौकी जो कद्दूकश की थी बॉल में डाल दी है, और उसमें 1 गिलास के करीब दूध डाला है, और आधा गिलास हमने पानी डाला है, बाकी लौकी खुद पानी छोड़ेगा, और हम इसको ढक देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे, हमारी लौकी गल जाएगी। हम इसको ढक देते हैं। व्यूअर्स, आप कह रहे होंगे कि ये तो ईद जो है वो ईद कुर्बान है, हम मीठा बना रहे हैं, तो व्यूअर्स नमकीन खा कर कुछ लोगों का दिल भरा होता है, तो घर में मीठा ज़रूर होना चाहिए, और ईद तो मीठे के साथ ही जचती है। बहुत मज़े का हम हलवा बना रहे हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। व्यूअर्स, हमारा पानी जो है और दूध ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। ये जो थोड़ा सा नज़र आ रहा है ये भी खुश्क हो जाएगा, फिर इसके अंदर हम 2 चम्मच घी के डालेंगे, आयल नहीं, घी डाल के हम इसको भूनेंगे, उसके बाद चीनी डालेंगे, और चीनी जब अपना पानी छोड़ के खुश्क कर देगी उसके बाद फिर हम इसमें ड्राई मिल्क डालेंगे। इसको अभी हम सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ढक देते हैं। व्यूअर्स, पानी खुश्क हो चुका है, हमने इसमें घी के 2 चम्मच डाल दिए हैं और चीनी डाल दी है हमने। अब हम चीनी डाल के, जब चीनी का पानी अभी खुश्क होगा उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे। जितनी भुनाई अच्छी होगी उतना ही आपका हलवा मज़े का बनेगा। कोई भी हलवा हो, अगर आप उसे अच्छी तरह भूनेंगे बहुत ही मज़े का बनता है। व्यूअर्स, ये ऐसी रेसिपी है, बहुत कम बनती है, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। सेवैयाँ वगैरह ये मीठा तो बहुत बनता है, और बहुत सी रेसिपी लोग शेयर करते हैं, और भी कितने शेफ जो हैं वो सेवैयाँ वगैरह बनाते हैं, कितने कुकिंग चैनल ये सब आपको दिखा रहे होते हैं, तो कुछ ऐसी रेसिपी होती हैं जो बहुत कम लोग दिखाते हैं। बस इसमें थोड़ा सा ये है कि आपका लौकी जो है उसको गलने में थोड़ा सा देर लगता है, जब वो गल जाता है उसके बाद फिर आपका प्रोसेस बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। इसको हम मीडियम आंच पर भूनेंगे। व्यूअर्स, आपको फिर एक दफ़ा बता दूं,
मैंने 1 kg के करीब लौकी ली है, उसको छील के अच्छी तरह कद्दूकश करके और उसमें तकरीबन 1/2 kg मिल्क, लिक्विड मिल्क डाला है और 1/2 गिलास मैंने पानी का डाला है। उसमें ये लौकी गल गई है। उसके बाद मैंने 2 कप चीनी के डाले हैं और 7 छोटी इलायची 5 से 6 डाली हैं ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू भी आए। बस ये आपके सामने है, ये सब चीनी का पानी है। जैसे पानी खुश्क होगा तो हम इसको भूनेंगे। व्यूअर्स, हमारा जो है लौकी का हलवा बिल्कुल तैयार है। मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया है, पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये लौकी जब पक गया है तो इसका जो हरा कलर है, वो जो ग्रीन कलर है, वो बिल्कुल लाइट हो गया है। तो थोड़ा सा डिश को खुश शक्ल और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हल्का सा हम ग्रीन फूड कलर डालेंगे इसमें, ताकि लौकी है तो लौकी नज़र आए कि लौकी का हलवा है। जैसे हम गाजर का हलवा बनाते हैं, गाजर अपना कलर कभी भी ज़ाया नहीं करती, वो हमेशा उसका कलर रेड का रेड ही रहता है। उसमें कोई आपको फूड कलर डालना नहीं पड़ता। इसमें भी आप ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहले इंसान अपनी आंखों से किसी डिश को देखता है और उसको खाता है, उसके बाद फिर वो उसको नोश करता है। तो इसलिए मेरी कोशिश है कि डिश बहुत मज़े की हो, उसके साथ साथ खूबसूरत भी नज़र आए। तो थोड़ा सा इसमें फूड कलर डालेंगे। व्यूअर्स, आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़े की है, पूरे के पूरे जो भी स्टेप आपको बताए हैं फॉलो करें, बहुत मज़े की बनेंगी। खासकर वो बच्चे जो लौकी खाना पसंद नहीं करते, आप इस तरीके से बनाइए, उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या खाया। बहुत हेल्दी और बहुत मज़े का ये हलवा तैयार है, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है। और ख़ास बात यह है कि आप इसको जितना भी खाएं आपको हैवीनेस नहीं होती। ये देखिए कितना अच्छा ग्रीन कलर आया है। अब इसमें हम ड्राई मिल्क डालेंगे। साथ ही इसकी जो आंच है उसको हम बंद कर देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने इसके अंदर भी डाले हैं और कुछ ऊपर से गार्निश करेंगे इसकी। बस हम इसको अब डिश आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, फाइनल प्रेजेंटेशन हम इसकी करते हैं। लौकी का हलवा देखें बिल्कुल तैयार हो गया है। कितना मज़े का ग्रीन कलर आपके सामने है।
ये देखिए ये हम खोपरा इसे हम लोग इस पे डालेंगे अपना ये खोया डालेंगे। और साथ डालेंगे ड्राई फ्रूट, ये है बादाम पिस्ता है। और ये अशरफियाँ हैं इसको कलरफुल लुक देने के लिए थोड़ी सी ये डालेंगे हम साथ। तो व्यूअर लौकी का हलवा हमारा बिल्कुल पककर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है, कितना यमी लग रहा है। आप भी बनाइए अपने बच्चों के लिए, अपने प्यारों के लिए, मेहमानों के लिए, अपने लिए। ख़ासकर ईद पे बहुत ही अच्छा लगेगा। एक अलग सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगेबान और एडवांस में ईद मुबारक, ईद कुर्बान मुबारक आप सबको। मेरी आवाज़ जहाँ जहाँ दुनिया की किसी कोने पे सुनी जा रही है, मेरी तरफ़ से सबको ईद कुर्बान मुबारक हो। अल्लाह हाफिज़ अगेन।